देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 6088 नए मामले देखने को मिले हैं। इसके अलावा इस संक्रमण से 148 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने से देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,18,000 से अधिक हो गई है। गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में भी कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गाजीपुर को शामिल कर अगर पूर्वांचल में पिछले 24 घंटे में मिले मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 49 रहा है। अकेले गाजीपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 11 नए मरीज मिले हैं। गाजीपुर का एक संक्रमित मरीज पॉजिटिव से अब नेगेटिव की श्रेणी में आ गया है। पहले 6 लोग नेगेटिव श्रेणी में थे, अब ये संख्या 7 हो गई है। इस हिसाब से एक्टिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। इसी तरह पिछले 24 घंटे में आजमगढ़ में 16, जौनपुर में 16, वाराणसी में 4, मिर्जापुर में 1 और बलिया में 1 और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। पूर्वांचल में मिले नए कोरोना संक्रमितों में से अधिकतर दूसरे राज्यों से आए प्रवासी भाई हैं। पूर्वांचल के ही एक जिले भदोही की बात करें तो वहां नए कोरोना संक्रमित तो नहीं मिले, लेकिन एक चिंताजनक खबर जरूर आई है। भदोही में 2 प्रवासियों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। गुरुवार को आई टेस्ट रिपोर्ट में दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गाजीपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम ओम प्रकाश आर्य ने गुरुवार को जिले की तैयारियों का जायजा लिया। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।